हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सेकंड में मैथ में कंपैरिजन ऑफ नंबर करेंगे। कंपैरिजन मतलब तुलना, बराबरी, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, या फिर कौन ज्यादा है या कौन कम है। मैं आपको सबसे पहले डिजिट लिख के दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एक्स्ट्रा। इस प्रकार से हम डिजिट लिखते हैं, जैसे 1 के बाद में क्या आया, 2, तो जो 2 है वो 1 से ज्यादा है। 2 के बाद 3, 3 में 2 से ज्यादा है। जो बाद में जो डिजिट आती है वो ज्यादा होती है और जो आगे जो होती है वो कम होती है। हम इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, जैसे 3 और 6। इसके लिए हमारा सिंबल होता है ये वाला, कंपैरिजन का सिंबल ये होता है। ये जो जिस साइड है, जैसे हम आप ऐसे बता सकते हैं, जिस साइड में ओपन है वो डिजिट ज्यादा होगी और जिस साइड में क्लोज है वो डिजिट हमारी कम होगी। तो जो राइट साइड है वो ज्यादा और जो लेफ्ट साइड है वो कम। अब जैसे 3 और 6 साइड के हमने, तो 6 हमारा ज्यादा है तो ये सिंबल, इसका मतलब है कि 6 ज्यादा है। दूसरी डिजिट लेते हैं, जैसे 13 और 21। अब हमारे पास 2 डिजिट हो गई। सबसे पहले हम टेंस वाली डिजिट को, टेंस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो कौन सा ज्यादा हुआ हमारा, 2, तो हमारा ज्यादा हो गया 21। इसमें हम पहले टेंस वाले डिजिट को मैच करेंगे, कौन सा समालर है वो कौन सा ग्रेटर है। तो इसमें हमारा जो 2 है वो ग्रेटर है, तो हमारी जो ग्रेटर डिजिट होगी वो होगी 21। और आगे चलते हैं हम 35 और 40। सबसे पहले हम कौन सी डिजिट लेंगे, सबसे पहले हम टेंस वाली डिजिट लेंगे। यहाँ पे हमारा 3 है और यहाँ पे हमारा 1 है, तो हमारा सिंबल ये आया, तो हमारा 35 ज्यादा है और 40 कम है। और कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 86 और 86। अब हम पहले टेंस वाले को मैच करेंगे, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसके बाद हम 6 को मैच करेंगे, वो भी 6 है और वो भी 6 है, दोनों सेम है, तो सेम सेम का इक्वल सिंबल आया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल, इसका मतलब है कि दोनों के दोनों बराबर हैं, ना कोई ग्रेटर है और ना ही कोई समालर नंबर है। इस प्रकार हम 3 डिजिट नंबर भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब आपको 100 डिजिट में लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने लिखा 240 और यहाँ लिख दिया 342। अब हम इसी तरह जैसे हमने पहले किया था टेंस को, अब हम किसको मैच करेंगे, 100 को मैच करेंगे। सबसे पहले हमारा 100 है 2 और 3, यह हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, तो 2 और 3 में दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 3, तो हम ये वाला सिंबल बताएंगे, तो हमारी ग्रेटर जो डिजिट हुई वो कौन सी हुई, 342, तो ये हमारा ये सिंबल आएगा। और डिजिट लिखते हैं 635 और 653। हम सेम पहले की तरह
पहले सिक्स देखेंगे, दोनों में हंड्रेड क्या है, सिक्स, हंड्रेड हंड्रेड क्या है, सिक्स, इसमें भी सिक्स है, दोनों सेम हो गए। लेकिन अभी हमारे पास टेन वाले में डिजिट है, यहाँ थ्री है और उधर फाइव है, कौन थ्री और फाइव को देखेंगे दोनों में से कौन बड़ा है, ये थ्री और ये फाइव, तो थ्री और फाइव में फाइव ज्यादा है, तो हमारी अगली बड़ी डिजिट होगी वो होगी हमारी 653। Thank you. Have a nice day.